अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुबैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले सुपरहिट फिल्मों के पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री आया करते थे और ये रिवाज सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड में था। आप लोगों को याद होगा कि आज से 30 साल पहले फास्ट एंड फ्यूरियस बनी थी और उसके पार्ट आज तक आ रहे हैं, और उसके बाद बॉलीवुड में भी बहुत सारी ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिनके पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जो सुपरहिट चीज है उसके नाम को और उसकी कामयाबी को कैश किया जाए, प्रोड्यूसर उसके नाम से पैसा कमाते हैं। ये रिवाज पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान के प्रोड्यूसर और चैनल मालिकान को ये समझ आ गई कि क्यों ना सुपरहिट ड्रामों के सीजन टू और सीजन थ्री बनाकर पैसा कमाया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी उन सुपरहिट ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके सीजन टू आने वाले हैं और कौन कौन उनमें काम करने वाला है और किस किस को निकालकर चेंज किया गया है, कहानी क्या है, ये सारा आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल परिजात 2021 में हम टीवी पर नशर किया गया और ये 2021 का पाकिस्तानी मीडिया का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा था। और इस ड्रामे में अहमद अली अकबर ने परिजात का किरदार अदा किया और इस किरदार ने अहमद अली अकबर की 15 साल की मेहनत को रंग लाया, क्योंकि अहमद अली अकबर पिछले 15 सालों से काफी मेहनत से अपना काम कर रहे थे लेकिन उनको वो शोहरत ना मिल सकी जिसके वो हकदार थे। लेकिन परिजात ने उनको रातों रात सुपरस्टार बना दिया। परिजात की कामयाबी के बाद अहमद अली अकबर मंजर-ए-आम से गायब हो गए और काफी सालों बाद जब इनसे पूछा गया कि आप इस दौलत शोहरत को एंजॉय करने की बजाय गायब हो गए, तो वो कहने लगे कि परिजात का किरदार और उसकी शख्सियत मेरे अंदर रच बस गई थी और मैं अकेले रहकर इस किरदार से निकलना चाह रहा था। अच्छा, पहले तो परिजात सीजन टू की उड़ती उड़ती खबरें आ रही थी और इसके बारे में यही कहा जा रहा था कि सीजन टू बनेगा, लेकिन अब इसके राइटर हाशिम नदीम और इसके प्रोड्यूसर ने इस बात को कन्फर्म कर दिया और साथ में अहमद अली अकबर ने भी इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि बहुत जल्द आपको सीजन टू देखने को मिलेगा। लेकिन अहमद अली अकबर का कहना है कि इस किरदार में दोबारा से मेरे लिए ढलना बहुत मुश्किल है और मैं इस किरदार को अपने लिए बहुत चैलेंजिंग समझता हूं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल दीवानगी भी बहुत ज्यादा हिट रहा और इस ड्रामे में हिब्बा बुखारी और दानिश तैमूर की जोड़ी को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया और लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि इसका सीजन टू आना चाहिए। खैर, अब इसका सीजन टू तो आ चुका है लेकिन नाम इसका चेंज कर दिया गया और नाम रखा गया है जानिसार। अब समझ से बाहर है कि प्रोड्यूसर भी वही, डायरेक्टर भी वही, चैनल मालिकान भी वही, एक्टर्स भी वही, लेकिन नाम क्यों चेंज कर दिया गया। खैर, कहानी पहले सीजन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि पहले सीजन में दानिश तैमूर को मार दिया गया था लेकिन किरदार बिल्कुल सेम है और कहानी भी बिल्कुल वैसी ही। दानिश तैमूर एंग्री यंग मैन का किरदार अदा कर रहे हैं और लड़की बिल्कुल गुर्बत की मारी हुई। हाय, सानू ऐसी गरीब सोनी कुड़ी क्यों नहीं मिलती। अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन की। तो दोस्तों, तेरे बिन सीजन वन की कामयाबी को देखते हुए इसके लास्ट एपिसोड पर ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ऐलान कर दिया था कि बहुत जल्द आपको सीजन टू देखने को मिलेगा और इसकी हाइप क्रिएट करने के लिए एक बहुत बड़ा फोटोशूट भी करवाया गया था। और आपको ये भी बताते चले कि हीरो और हीरोइन के तौर पर बहाज और यमुना जैदी को ही आप सीजन टू में देख पाएंगे। बस कहानी वहीं से शुरू नहीं होगी जहां पर खत्म हुई थी बल्कि एक नए सिरे से एक नई कहानी आपको देखने को मिलेगी। बस मुझे एक बात का डर है, कहीं बीच में फिर वही ठिशुम ठिशुम ठा वाली चवल ना मार दे कि इनको नए सिरे से बहुत सारे सीन शूट करने पड़े और फिर बाद में माजरत भी करनी पड़े। अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की। तो ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का सीजन 4 बन रहा है। तो आपको बताता चलूं कि सीजन 1 में इमरान अब्बास को देखा गया था और सीजन 2 में भी इमरान अब्बास को, लेकिन सीजन 3 में फिरोज खान थे। लेकिन अब कौन हो सकता है, यहां मैं आपको बताता चलूं, हो सकता है कि अब्दुल्ला कादवानी के बेटे हारून कादवानी या फिर फेरोज खान। खुदा और मोहब्बत सीजन 4 की कास्ट को काफी सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इमरान अब्बास से जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि सीजन 4 में कौन होगा हीरो, तो वो कहने लगे कि प्रोड्यूसर का बेटा खुद ही बहुत खूबसूरत है, यानी कि उनका इशारा हारून कादवानी की तरफ था। अब आपको क्या लगता है, फिरोज खान आएंगे या हारून कादवानी। और अब हम एक ऐसे ड्रामे की बात करने जा रहे हैं जिसका सीजन 2 नहीं बल्कि 3 भी आने वाला है और वो ऐसा ड्रामा है जिसने अगले पिछले सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए, यानी कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद का सीजन 2 नहीं बल्कि आप 3 भी देख पाएंगे क्योंकि इसके राइटर ने कहा था कि मैंने सीजन 1 नहीं बल्कि 2 और 3 भी लिख दिया था। और इसके राइटर अब्दुल खालिक खान ने बताया है कि मैंने सीजन 1 के लिए लिखा था कि एक लड़का एक लड़की की मोहब्बत में
दुनिया की तमाम तरह ऐशियों को छोड़ देता है, और सीजन टू में एक लड़का अपने खूनी रिश्तों की मोहब्बत में दुनिया की तमाम तरह ऐशियों को छोड़ देता है, और सीजन थ्री के लिए वो कहते हैं कि एक लड़का अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया की तमाम तरह ऐशियों को छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रास्ते पर लग जाता है। खैर, अब देखते हैं कि कौन सा सीजन उनका सबसे बेस्ट साबित होगा। लेकिन इस ड्रामे के एंड पर आप लोगों ने देखा, बिलाल अब्बास और सारी टीम ने यह फैसला किया, बल्कि एक अनाउंसमेंट की कि आपको सीजन टू बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बल्कि वो कह रहे थे कि आ जाओ भाई सीजन टू बनाते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है कि आखिर में उन्होंने भले उनको कहा कि भाई तुम नहीं हो, क्या लगता है कि भले को डाला जाएगा या नहीं? वैसे डालना चाहिए यार, उसके अच्छे सीन्स थे, मजेदार थे, और मुझे यूं लगता है कि इसी तरह से आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपके लिए यादें छोड़ जाते हैं, और फिर आप उनकी यादों में अपनी जिंदगी बिताते हैं और सोचते हैं कि यार उनके जाने के बाद जिंदगी फीकी फीकी सी लगने लग जाती है। किसी के चले जाने से आप रोगी हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन लोग किसी की यादों को लेकर कामयाबी के रास्ते पर चलते हैं और अपनी मंजिलें तलाश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो टूटने के बाद अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, कामयाब होते हैं। लेकिन आप जैसे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इश्क करने के बाद टूट जाते हैं और फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जब आप किसी की मोहब्बत में, किसी की याद में टूट जाते हैं, तो फिर आपको मजबूत होना चाहिए, आपको अपने आप को एक बार फिर से तैयार करना चाहिए। एक कामयाब इंसान बनाने के लिए, एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप ही अपना सीजन टू स्टार्ट करें, अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारें, जो रह गया पीछे उसे भूल जाएं। अगर भूल नहीं पाते तो कम से कम नई यादें, नई जिंदगी, नई खुशियां, सब कुछ तलाश करें, क्योंकि जिंदगी की खुशियां खुली बाहों से आपका इंतजार कर रही हैं। वो तो आप ही हैं जो उसकी तरफ जा नहीं रहे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुशियां तलाश करके एक सीजन टू स्टार्ट कर लेंगे तो यकीनन आपकी जिंदगी बाकी की अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है कि मेरा मैसेज, मेरी बात आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अभी मैं आपको वो स्टोर रूम दिखाता हूँ जहाँ पे परिजाद जो है रहता था, उसका वो रूम दिखाता हूँ मैं आपको। ये जगह थी ना, ये वाली, यहाँ पे परिजाद का बैग था। ये सेटिंग उन्हीं की है ना, ये सारी। अच्छा, ये सेटिंग उन्होंने ही लगाया, उन्होंने लगाया था ये। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे उसने बेड लगाया था, यहाँ पे वो उसकी बुक्स वगैरह उसमें थी सारी। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, मैं हूँ आपका मेजबान सुमेर। तो आज के नए ब्लॉग में हम आपको करते हैं जी वेलकम। एक और आपको मैं मजे की बात बताऊँ, जो परिजाद ने कोट पहना था वो कोट भी सर का था। तो सर आप क्या कह रहे थे, वो कोड उसको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और उसने काफी किस्तों में वो यूज किया रखा उसने। वो कोड इनका था और वो बहुत सारी किस्तों में उसने वही कोड पहनी रखा। ये वाले पड़ोसी भी उसने थे, अच्छा थे, वो भी थे, वो जो शिकायत लेकर आते हैं। अच्छा, वो ये घर था, ये सारे घर आए थे ना साथ। अच्छा 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 अच्छा, इसी लोग थे। अच्छा हाँ, इसी दरवाजे के आगे वो आते हैं। अच्छा जी, परिजाद में आपने देखा जहाँ उनकी बहन की शादी होती है और फिर वो वहाँ जाती है, वो घर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो घर, ये देखें, जहाँ पर परिजाद की बहन की शादी होती है और परिजाद फिर बाद में उसके साथ मिलने के लिए आता है। ये है वो घर, ये बहुत बड़ा घर है भाई। ये देखें, वाइड एंगल में मैं आपको दिखाता हूँ, इतना बड़ा घर है भाई, लेकिन गरीब दिखाए थे यार, ऐसा घर मुझे भी मिल जाए ना। अभी हमने यहाँ पे नॉक किया है, लेकिन यहाँ पर अभी घर पे कोई नहीं है, वरना मैं आपको ये अंदर से भी सारी लोकेशन दिखाता, जहाँ परिजाद अपनी बहन से मिलने के लिए आता है, जहाँ वो अपनी बहन को वो अपनी पैसे देने के लिए आता है, और जब अमीर हो जाता है, और वो सारे सीन जो है ना इधर ही शूट हुए थे।